नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी ज्यादा है। ऐसे में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में संतुलन लाना आज समय की मांग है, वरना वो दिन दूर नहीं कि बिहारवासी शुद्ध हवा के लिए मोहताज हो जाए। हालांकि आम लोग भले ही प्रदूषण के स्तर को लेकर चिंतित ना हो और धड़ल्ले से गाड़ी चला रहे हो, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लेकर थोड़ी संजीदगी से काम कर रही है। यही कारण है कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार में जल्द ही CNG बसों का परिचालन होने वाला है। परिवहन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पटना नगर बस सेवा के विभिन्न मार्गों पर 50 नई CNG बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। सभी CNG बस GPS, CCTV, पैनिक बटन आदि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यात्रियों को मार्गों की जानकारी के लिए बस के अंदर और बाहर कुल मिलाकर 4 डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। बसों के अंदर मोबाइल चार्ज करने की भी व्यवस्था है। CNG बसों में ड्राइवर सहित कुल 32 सीटें हैं। सभी बसें GPS युक्त है, जिससे बसों का वास्तविक स्थान पता किया जा सकता है। बसों में पैनिक बटन उपलब्ध है, जिसे आपातकालीन स्थिति में सहयोग हेतु उपयोग किया जा सकता है। सभी बसों में सुरक्षा के लिए 3-3 CCTV कैमरा उपलब्ध करवाए गए हैं। यात्रियों को मार्गों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बसों के बाहर 3 डिस्प्ले बोर्ड और अंदर 1 डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध है। इसके साथ ही बसों के अंदर यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। बसों में आपातकालीन खिड़की है, आपातकाल के दौरान बाहर निकलने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। बसों में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित सीटों का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 350 एम्बुलेंस का शुभारंभ पटना से विभिन्न जिलों के लिए किया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को समय पर अस्पताल भेजा जा सके और अन्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 3500 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदनों में से 954 लाभुकों का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। वर्तमान में 350 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अगस्त 2021 तक 500 से अधिक एम्बुलेंस लाभुकों द्वारा क्रय कर ली जाएगी और दिसंबर तक 1000 एम्बुलेंस लाभुकों को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि कई बार सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित की जान एम्बुलेंस के अभाव के कारण चली गई है। ग्रामीण इलाकों में भी एम्बुलेंस की उपलब्धता हो जाने पर सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आ सकेगी। साथ ही 50 नई CNG बस और विभिन्न जिलों के लिए 350 एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ संवाद में 24 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी की माने तो पटना शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और यात्रियों को प्रदूषण मुक्त, सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने हेतु 50 नई CNG बसों का परिचालन पटना नगर बस सेवा के विभिन्न मार्गों पर शुरू होने जा रहा है और CNG बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से किया गया है। हालांकि इससे पहले परिवहन विभाग की तरफ से शुरुआती दौर में 20 डीजल बसों को CNG में कन्वर्ट किया गया था। अब 50 नई बसों का CNG बसों के रूप में परिचालन किया जाएगा, जिसके तहत अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल के मार्च महीने तक पटना सिटी डीजल बसों को CNG में कन्वर्ट करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। परिवहन सचिव की माने तो पहले से डीजल से चलित कुछ बसों को CNG में कन्वर्ट कर परिचालन किया गया था। इसके सफल परिणाम के बाद CNG बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही CNG स्टेशन की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। CNG बसों के परिचालन के शुरू होने के साथ ही पटना के अलग अलग जगहों पर चलाए जाने वाले बसों की बात करें तो गांधी मैदान दानापुर बस स्टैंड के बीच 10 CNG बसें, गांधी मैदान दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच 14 CNG बसें, गांधी मैदान से बिहटा IIT पे 17 CNG बसें, गांधी मैदान से पटना साहिब स्टेशन 7 CNG बसें और गांधी मैदान से दानापुर हांडी साहिब गुरुद्वारा के लिए 2 CNG बसों का परिचालन होने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।